हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से लेकर आ गए हैं न्यू वायरल एडिटिंग, जो अभी इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में चल रहा है गाइस। तो आप भी कुछ इस तरीके से रील बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो में जो भी मटेरियल का यूज होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन ओनली कॉमेंट करने वालों को ही मिलेगा गाइस। तो कॉमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले स्टेप गाइस, आपको VN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली मेरे पास पहले से है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको नीचे में प्लस वाला आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको चले जाना है सिंपली आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर। इसके बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक साइड वीडियो एक साइड फोटो का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आपको जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो मैंने पहले से ही वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है, तो सिंपली मैं यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट करके यहाँ से तीर वाला आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको थोड़ा ग्लिच टाइप का लग रहा होगा, लेकिन जब इसको आप सेव करोगे तो बिल्कुल परफेक्टली एकदम मैच हो जाएगा। और लास्ट में जो ब्लैक बैकग्राउंड बचेगा उसको आपको सिंपली कर देना है यहाँ से डिलीट। साथ में गाइस जो हमारे वीडियो पर जो म्यूजिक है उसको सिंपली इसके वॉल्यूम को कम करने के लिए आपको चले जाना है वॉल्यूम पर, और इसको आपको रख देना है पूरा 0, ठीक है। और यहाँ से आपको कर देना है राइट। तो गाइस एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से भी आपको नॉर्मल वीडियो शूट कर लेना है एडिट करने के लिए, ठीक है। तो इसको आपको दोनों उंगली की मदद से कुछ इस टाइप से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद गाइस आपको हल्का सा आगे आगे आना है वीडियो के, जहाँ पर आपका हाथ है बैक साइड जा रहा है, यहाँ से कर देना है आपको स्लिप्ट, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको फिर से हल्का सा आगे जाना है, और जहाँ पे हमारा फेस जूम हो रहा है वहाँ पे आपको फिर से स्लिप्ट करना है। और इसको आपकी जो स्पीड है, आपको नीचे में ऑप्शन शो हो रहा है स्पीड, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके रेगुलर पे चले जाना है। और इसकी जो स्पीड है उसको आपको 2x रख लेना है। इतना हो जाने के बाद गाइस आपको यहाँ से कर देना है राइट। राइट हो जाने के बाद गाइस आपको करना क्या है, जो हमारी वेब है उसको हमें ऐड करना है, ठीक है ना। तो सिंपली आपको जहाँ तक आप हाथ उठा रहे हैं जस्ट वहाँ तक जाएंगे, और यहाँ से आपको ऊपर में जस्ट टैप टू ऐड स्टिकर वाला ऑप्शन दिखेगा, जस्ट ऊपर में उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको चले जाना है वीडियो फोटो पे। और यहाँ से गाइस जो वेब है आपको यहाँ से कर लेना है क्लिक करके ऐड, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गाइस, वीडियो में जो भी मटेरियल का यूज होगा तो आप लोग डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और इसको ब्लेंडिंग मोड को सिंपली आपको कर देना है चेंज, ठीक है ना। तो इसके ब्लेंडिंग को हम लोग कर देते हैं स्क्रीन। स्क्रीन हो जाने के बाद गाइस यहाँ से आपको सिंपली कर देना है राइट। और इसको सबसे पहले तो इसको साइज में ले लेते हैं, आपके पूरे हैंड के लेवल में ले लेना है, हैंड के एकदम बराबर में, ठीक है गाइस। तो कुछ इस टाइप से हमारी जो वेब है निकलने वाली है। ओ सॉरी गाइस, इसको सबसे पहला स्टेप मैं रोटेट करना भूल गया था, सॉरी। तो इसको आप कर लीजिएगा रोटेट कुछ इस टाइप से, ठीक है गाइस, यहाँ तक। और इसके साइज को आप बड़ा रख लीजिएगा कुछ इस टाइप से, और आपको हल्का सा आगे जाना है, जहाँ पे आपका जो वेव है थोड़ा इधर इधर हो रहा है वहाँ से आपको हल्का सा पीछे जाके कर देना है आपको स्लिप्ट, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपको चेक कर लेना है और यहाँ से कर देना है स्लिप्ट। उसके बाद आपको फिर से अगले वेव पे क्लिक करना है और उसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद फिर से आपको चेक कर लेना है। तो गाइस देख सकते हैं जो हमारी वेब है थोड़ी अजब गजब लग रही है, क्योंकि ये फुल साइज नहीं है। तो सिंपली इसको आपको रख लेना है फुल साइज इतना, ठीक है। और यहाँ से आपके उंगली के बीच में आना चाहिए गाइस, ऐसा लगना चाहिए कि जो वेब है हमारे उंगलियों से निकल रहा है गाइस। तो कुछ इसी टाइप से आपको भी बना लेना है। जो मैं स्टेप बता रहा हूँ गाइस उसको आप लोग फॉलो करके बिल्कुल इजी तरीके से अपनी जो वीडियो है उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस टाइप से बन
चुकी है। आगे इसमें गाइस और भी हमें वेब ऐड करने हैं, तो सिंपली हमें जो हमारी लास्ट वाली वीडियो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से अब भी वीडियो शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वेब ऐड करना है, तो सिंपली फिर से आपको वीडियो फ़ोटो पे चले जाना है और यहाँ से आपको वही वेब को ऐड कर लेना है, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको फिर से इसको कर देना है रोटेट और इसके साइज को आपको बड़ा रख लेना है कुछ इतना, और यहाँ पे चले जाना है आपको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे और इसको आपको कर देना है, सॉरी ओवरले हो गया, इसको कर देते हैं स्क्रीन और यहाँ से कर देते हैं राइट। राइट हो जाने के बाद गाइस आपको फिर से अपने जो बीच वाली उंगली है उस पर मैच करना है, तो सिंपली यहाँ से मैं कुछ इस टाइप से मैच कर लेता हूँ और इसके साइज को आपको ऊपर नीचे कर सकते हैं कुछ इसी टाइप से गाइस, आपको भी ऐड कर लेने हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी यूज़फुल रहा तो गाइस नीचे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। ओके गाइस, इतना हो जाने के बाद अब यहाँ से कर देना है स्लिप और कुछ इस टाइप से आपको फिर से आपकी जो उंगली है उस पर मैच कर लेना है वेब को, ठीक है कुछ इस टाइप से। यहाँ से कर लेते हैं गाइस स्लिप्ट। स्लिप्ट हो जाने के बाद गाइस फिर से इसको हमारे उंगली के बीच में वेब को मैच कर लेना है। इस तरह वीडियो बच रहे हैं गाइस, इसको यहाँ से कर देना है आपको सिंपली डिलीट। डिलीट करने के बाद आपको एक और वीडियो ऐड करने हैं गाइस, जो है जाला जाला, और यहाँ से आपको वीडियो फोटो पर चले जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको सिंपली क्लिक करके कर लेना है ओपन। ओपन हो जाने के बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो इसको आप कुछ इस टाइप से साइज को फुल साइज रख लीजिएगा रोटेट करके। और यहाँ से आपको फिर से आपको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है और इसको कर देना है आपको स्क्रीन और यहाँ से कर देना है राइट। राइट हो जाने के बाद गाइस आपको साइज को देख लेना है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी वजह से बहुत थोड़ा ग्लिच हो रहा है गाइस, तो उस पर ध्यान ना दें। इसके साइज को आपको पूरे स्क्रीन में ले लेना है गाइस कुछ इतना, ठीक है। अभी भी सही नहीं लग रहा है मुझे, तो इसके साइज को और थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। और इसको आप लोग एकदम परफेक्टली मैच कीजिएगा, आगे पीछे कर कर के देखिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। इस वीडियो को जब आप लोग सेव करोगे ना तो बिल्कुल मज़ा आ जाने वाला है, गजब की लगने वाली है। तो सिंपली मैं इसको पहले साइज को फुल रख लेता हूँ स्क्रीन के कुछ इतना, ठीक है। तो आप भी रख लीजिएगा अपने हिसाब से। और यहाँ से मैं कर देता हूँ प्ले, तो यहाँ पे मेरा वीडियो कुछ ग्लिच टाइप का हो रहा है गाइस, लेकिन जब इसे आप लोग सेव करोगे ना तो ये बिल्कुल एकदम स्मूथली चलने वाला है, क्योंकि मैं जो है फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, शायद इसकी वजह से इस पर ग्लिच हो रहा है ये, तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन लग रहा है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है इसकी वजह से हो रहा है। तो जब आप लोग वीडियो को एडिट करोगे ना तो आराम से करिएगा गाइस, आपको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। इतना हो जाने के बाद गाइस हमें वीडियो के एकदम लास्ट में चले जाना है और यहाँ से कर देना है स्लिप्ट। और इसके जो स्पीड है उसको आपको कर देना है रेगुलर पे जाके कुछ इतना कम, ठीक है कुछ इस टाइप से। ओके गाइस, तो इसके बाद आपको चले जाना है फर्स्ट पे म्यूजिक वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आपको चले जाना है इफेक्ट पे और यहाँ से आपको कर लेना है म्यूजिक का चॉइस, ठीक है गाइस। तो यहाँ से एक बार फिर से आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है गाइस कि मेरे वीडियो में इतना ग्लिच क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है मुझे, शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से ही है, पता नहीं किसकी वजह से है। तो अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, मेरा यूज़र नेम है एडिटिंग लोकेश।
और वहाँ पे कोई भी सवाल पूछना हो तो फट से जवाब देता हूँ, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। तो कुछ भी जवाब या फिर कुछ भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो वीडियो के कमेंट में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस वीडियो हमारी लगभग पूरी तरीके से बन ही चुकी है, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है। तो ओके गाइस, इसके बाद गाइस आपको ऊपर में दिख रहा होगा एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन सिंबल, उस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको कर देना है राइट, और वीडियो है आपकी सेव होने लगेगी गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें।